गुड इवनिंग गाइस, मैं विपिन सरोडिया, न्यू दृष्टि एकेडमी सिवनी आपके सामने पुनः हाजिर। कल हमने आपका जो करंट अफेयर्स की चर्चा की थी उसी का आगे का आज और करते हैं। आज है अपना 19 अप्रैल 2020। आज हम देखते हैं दोस्तों करंट अफेयर्स में, आज हमारे यहाँ फिर से कुछ नई चीज़ें लेकर आ रहे हैं हम लोग, है ना। तो हमें उसको ध्यान से देखते हैं, टाइम बर्बाद ना करते हुए डायरेक्ट क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम देखते हैं दोस्तों, तो आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे यहाँ पर अभी कोविड को लेकर ही पूरी बातें चल रही हैं। तो दोस्तों मैं ज़्यादा क्वेश्चन इसी से बना रहा हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत तो होगी तो दिक्कत नहीं है, वैसे अपन लोगों को तो देखना होगा कि कौन सी चीज़ क्या करना है क्या नहीं करना है। अपन को तो क्वेश्चन से मतलब होना चाहिए बस, जो एग्जाम में आने लायक है वही क्वेश्चन हमको पढ़ना है, बाकी हमें जो फालतू के क्वेश्चन है उस पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है दोस्तों। चलिए तो मैं आप सबसे पहले बात करता हूँ दोस्तों कि थल सेना ने सैनिकों को नो मूवमेंट का आदेश दिया है। दोस्त इसमें एक टर्म आया है, उसको ध्यान से देखिएगा, इसमें आया हुआ है थल सेना। क्या आया दोस्तों? थल सेना। और आपको पता होनी चाहिए कि हमारे यहाँ पर अभी तीन सेनाएं हैं, एक है थल सेना, जल सेना और एक है वायु सेना, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये पता होगा कि हमारे यहाँ पर थल सेना की स्थापना कब हुई, तो थल सेना की स्थापना आपको पता होनी चाहिए दोस्तों कि हमारे यहाँ पर भी है ये 1800 कब हुई दोस्तों? 95 में हुई है। कब हुई दोस्तों ये? 1895 में। फिर हम देखते हैं कि जब 1895 में हुई है तो हमारे यहाँ पर इसके जो प्रमुख हैं वो कौन है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, मुकुंद नरवाने हैं। कौन है दोस्तों? मुकुंद नरवाने हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि आपने ये देखा होगा कि थल सेना ने सैनिकों को नो मूवमेंट, नो मूवमेंट मतलब तो आप जानते होंगे क्योंकि हमारे यहाँ पर मीनिंग से समझ आ रहा है, ठीक है दोस्तों। फिर मैं आगे बात करता हूँ कि अभी आप लोगों ने सेना की बात किया है तो मैं तीनों सेनाओं के बारे में आपको बता दूँ, इसके प्रमुख पता होना चाहिए हम लोगों को, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि आपने देख लिया हमारे यहाँ पर अभी किसके, थल सेना के प्रमुख मुकुंद नरवाने। सेकंड में बात करता हूँ किसकी, कि हमारे यहाँ पर जल सेना, जल सेना को आपने देखा कि हमारे यहाँ पर अभी चेंज हुए हैं, जल सेना के कौन थे? करमवीर सिंह है। कौन है हमारे यहाँ पर? करमवीर सिंह है, ठीक है। फिर आप देखेंगे कि हमारे यहाँ पर वायु सेना के कौन है, तो वायु सेना के आपको पता होना चाहिए RKS भदौरिया है। कौन है दोस्तों? RKS भदौरिया है, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट आते हैं काय पे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो रिजर्व रेपो रेट को RBI ने घटाकर कितने 3.75 कर दिया है दोस्त, कितने 3.75 कर दिया है। तो पहले कितने था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, तो पहले हमारे यहाँ पर था 4%, कितना था हमारे पर 4%, ठीक है। अब हमारे पर 4% से कम करके कितना कर दिया है, 3.75% कर दिया है, ठीक है। फिर देखते हैं दोस्तों, लेकिन इसमें एक टर्म आया है रिजर्व रेपो रेट, ये होता क्या है? रिजर्व रेपो रेट के बारे में आपको जानना होगा। रिजर्व रेपो रेट दोस्त हमारे यहाँ पर वे होते हैं, यदि मान लीजिए मेरे पास एक बैंक है, ठीक है, मेरे पास एक बैंक है, ये मान लो SBI बैंक है। अब जो SBI बैंक है, SBI बैंक के पास जितनी पैसे की जरूरत थी उन्होंने पूरा लेन देन किया और बाद में उसके पास पैसा बच गया। अब उन्हें जो बचा हुआ पैसा है वो किसको देगा? वो RBI को देगा। जब वो पैसा है जो RBI को दिया, अब RBI उसमें क्या होगी, ब्याज देगी। किसको देगी? SBI को ब्याज देगी। वही ब्याज जो SBI को मिलने वाला है, तो वही ब्याज इसमें क्या कहलाएगा? रिजर्व रेपो रेट, ठीक है दोस्तों। तो हमारे यहाँ पर क्या कहलाया ये? रिजर्व रेपो रेट। तो आपको रिजर्व रेपो रेट की मीनिंग समय आ गई होगी, ठीक है। हम देखते हैं, रिजर्व रेपो रेट आपने तो देख लिया, लेकिन एक टर्म और आया दोस्त, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपने तो देखा होगा, इसकी स्थापना भी आपको पता होनी चाहिए। तो इसकी स्थापना कब हुई हमारे यहाँ पर, तो आपको पता होगा 1 अप्रैल कब हुई है, 1935 में हुई है। कब हुई है दोस्तों? 1 अप्रैल 1935 को। लेकिन पेपर में क्या होता है, कभी कभी हेडक्वार्टर पूछ लेता है, तो हेडक्वार्टर हमारे यहाँ पर कहाँ है? मुंबई में है। कहाँ है दोस्तों? मुंबई में है। क्लियर हुआ? अब देखते हैं नेक्स्ट, है ना। RBI के हमारे पर गवर्नर भी पता होना चाहिए दोस्त, आपको RBI गवर्नर कौन है, ये भी आपको पता होगा, शक्तिकांत दास। कौन से नंबर के हैं ये? अभी 25वें नंबर के हैं। कौन से नंबर के दोस्तों? ये 25वें नंबर के हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को, हेडक्वार्टर मुंबई में है, और हमारे यहाँ पर अभी रिजर्व रेपो रेट कितना कर दिया गया है, 3.75 कम कर, ना कर दिया गया है। ये कम हुआ है क्या, किससे हुआ हमारे यहाँ पर? अभी 4% से कम किया गया, ठीक है। आपको सेकंड क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा, मैं थर्ड क्वेश्चन की बात करता हूँ दोस्तों। तो आप लोगों ने एक टर्म देखा होगा DRDO, DRDO ने COVID-19 से लड़ने के लिए स्वचालित सैनिटाइजर और पराबैंगनिक उपकरणों को लॉन्च किया है। अब ये है क्या, ये देखिएगा दोस्त, DRDO, पहले तो मैं DRDO की बात करता हूँ आपसे।
तो डीआरडीओ की स्थापना हमारे यहाँ पर कब हुई है? 1958 में हुई है। कब हुई है दोस्तों? हमारे यहाँ पर 1958 में हुई है। फिर आपने देखा होगा न्यू, आपने इसका जो हेडक्वार्टर है वो हमारे यहाँ पर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। कहाँ पर है दोस्तों? ये नई दिल्ली में। क्लियर हुआ? अब हम देखते हैं कि आप लोगों ने देखा होगा इसके प्रमुख भी आपको पता होना चाहिए। तो हमारे पास जी सतीश रेड्डी है। कौन है दोस्तों? जी सतीश रेड्डी है। क्लियर हुआ? अब हम देखते हैं इसके बाद हमारे यहाँ पर 1958 में हमारे पर इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। और इसमें हमारे पर एक चीज और आपको पता होनी चाहिए, क्या? कि हमारे पर इसमें क्या है कि इसके प्रमुख कौन है हमारे यहाँ पर? तो जी सतीश रेड्डी है। ठीक है, क्लियर हुआ? अब हम देखते हैं तो कोविड का मतलब तो मैंने आपको समझा दिया था। कोविड का पूरा नाम होता है कोरोना वायरस डिसीज 90। हमारे यहाँ पर ये 2019 में आया था, इसलिए हमारे पर क्या हुआ है? सबसे प्रभावित रहा है, इसलिए इसको 90 नाम दिया गया। ध्यान दीजिएगा। हम देखते हैं दोस्तों कि इसमें बोला है लड़ने के लिए स्वचलित, लड़ने के लिए स्वचलित। यदि मान लीजिए मैं कोई रूम के अंदर जा रहा हूँ या फिर कोई भी मुख्यालय है उसके अंदर मैं पहुंच रहा हूँ, यदि मैं रूम के अंदर आना है मुझे, तो क्या होगा? उसमें कुछ सेंसर लगे होंगे और उस सेंसर के माध्यम से क्या होगा? उसमें सैनिटाइजर ऑटोमेटिक हमारे पर स्प्रे करेगा और एक किरण ऊपर से चलेगी और वो ऊपर किरण में क्या होगा कि हमारे पर जो कोविड है, जो कोरोना वायरस है, वो वहीं पर क्या होगा? नष्ट हो जाएगा, यदि हमारे ऊपर कहीं बाहर लगा होगा तो। ठीक है, फिर इसके बाद हम देखते हैं तो इससे हमारे पर लड़ने के लिए स्वचलित, इसमें आपने क्या बोला? स्वचलित सैनिटाइजर एवं परावैनिक किरणों का क्या किया हमारे पर उपकरण है ना लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर मैं बात करता हूं हमारे यहां पर दिल्ली सरकार ने एसएस कोरोना ऐप लॉन्च किया है। एसएस कोरोना ऐप लॉन्च किया है। अब एसएस का मतलब आपको पता है आकलन होता है। एसएस का मतलब क्या होता है दोस्तों? आकलन होता है। क्लियर हुआ? अब ध्यान दीजिएगा, हमारे यहां पर आकलन होता है तो दिल्ली सरकार ने लॉन्च किया है दोस्तों। ये अब एसएस कोरोना, तो इसके बारे में तो आपको पता ही होगा है ना, क्योंकि अब हम इसमें बताने की कोई जरूरत है भी नहीं है। ठीक है, तो मैं अब बात करता हूँ डायरेक्ट। सुगम कृषि परिवहन के लिए किसान रथ ऐप शुरू किया गया। अब क्या किया गया है? सुगम कृषि परिवहन के लिए किसान रथ ऐप, किसान रथ ऐप लॉन्च किया गया है। अभी किसान रथ ऐप लॉन्च किया गया है तो किसके लिए किया गया है, वो किसने किया होगा? तो दोस्त आपको पता होना चाहिए कृषि का मतलब किया होगा, तो कृषि मंत्री ने ही किया होगा। तो कृषि मंत्री कौन है हमारे यहाँ पर? तो आपको पता होना चाहिए नरेंद्र सिंह तोमर है। कौन है दोस्तों? नरेंद्र सिंह तोमर है। ये क्या होना चाहिए? केंद्रीय कृषि है, हमारे पास कौन है? कृषि मंत्री है। ठीक है, इसके बाद ध्यान दीजिएगा किसान रथ, रथ का मतलब आपको पता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि किसान के खेत से सब्जी जो हमारे पर जो होगा अनाज होगा उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक मार्केट तक ले जाने के लिए हमारे यहाँ पर क्या होगा? इसको रथ के माध्यम से हम ले जा सकते हैं। लेकिन ध्यान देना, इसके माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं? जैसे ट्रैक्टर हो, हमारे यहाँ पर कोई ट्रक हो, सब्जी भाजियों के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? इसमें हम लोग उनको किराए से ले सकते हैं, है ना? ठीक है, ये तो क्लियर हुआ होगा। फिर मैं बात करता हूँ दोस्तों कि हमारे पास 6 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पर WB लिखा है, मतलब वर्ल्ड बैंक। ये वर्ल्ड बैंक लिखा है IMF, तो आपको पता होगा कि हमारे पास IMF का मतलब भी पता ही होगा आपको। ठीक है, तो कि हमारे पास के विकास समिति की बैठक में भारत का नेतृत्व कौन करेगा? तो निर्मला सीतारमण करेंगी। कौन करेंगी? निर्मला सीतारमण करेंगी। और निर्मला सीतारमण आपको पता होना चाहिए दोस्त, ये कौन है हमारे यहाँ पर? वित्त मंत्री है। कौन है हमारे यहाँ पर? वित्त मंत्री है। इसके पहले क्या थी ये आपको पता होना चाहिए, इसके पहले रक्षा मंत्री थी और रक्षा मंत्री पूर्णकालिक रक्षा मंत्री थी, इस बात का ध्यान देना। लेकिन अभी हमारे पर कौन सी मंत्री है? ये वित्त मंत्री है। ठीक है दोस्तों, ये कौन से मंत्री? अभी वित्त। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर दो टर्म आया हुआ है, एक आया हुआ है क्या? WB मतलब वर्ल्ड बैंक, और एक आया है IMF। तो सबसे पहले मैं दोस्त आपसे बात करता हूँ कि वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई। तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना आपको पता होना चाहिए 1944 में हुई। कब हुई दोस्तों? 1944 में हुई है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इसका हेडक्वार्टर है Washington DC में है। कहाँ पर है दोस्तों? इसका हेडक्वार्टर Washington DC में। और आपने डेविड मालपास का नाम सुना होगा। डेविड मालपास इसके कौन है? हेड है। कौन है हमारे पर? हेड है। क्लियर हुआ? ध्यान दीजिएगा। फिर मैं इसके बाद बात करता हूँ IMF, है ना,
तो आपने देखा होगा इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का नाम तो सुना ही होगा, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि हमारे पास इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड में इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। कब हुई थी दोस्तों? 1945 में हुई थी। आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास इसका हेडक्वार्टर भी कहां पर है, वाशिंगटन डीसी में है। कहां पर है दोस्तों? वाशिंगटन डीसी में है। क्लियर हुआ? अब ध्यान दीजिएगा कि हमारे यहां पर आपने क्रिस्टीना जॉर्जविया का नाम सुना होगा, तो क्रिस्टीना जॉर्जविया इसकी कौन है? हेड है ना, क्रिस्टीना जॉर्जविया इसकी कौन है? हेड है। अब ध्यान देना दोस्तों कि हमारे यहां पर कभी कभी क्वेश्चन में ये आता है कि हमारे यहां पर पूछ लिया कि आईएमएफ में सदस्य संख्या कितनी है, तो आपको क्या बताना होगा? 189। कितनी है दोस्तों? 189 है। क्लियर हुआ? ये भी आपको समझ आ गया होगा। तो मैंने आपको वर्ल्ड बैंक के बारे में बता दिया, आईएमएफ के बारे में बता दिया। तो वर्ल्ड बैंक की हमारे स्थापना कब हुई थी? 1944 में हुई थी। इसका वाशिंगटन डीसी में है और आपका क्या है, इसके हेड कौन है? है ना, डेविड मालपास है। क्लियर हुआ? फिर मैं एक और बता देता हूँ आईएमएफ के बारे में। तो आईएमएफ की स्थापना हमारे यहाँ पर कब हुई थी? 1945 में हुई थी। हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है और इसमें कितने देश शामिल है? 189 है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ पर क्रिस्टीना जॉर्जविया कौन है इसकी, है ना, तो कौन है? हेड है, ठीक है। चलिए दोस्त, फिर मैं आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो निर्मला, इसका भारत का नेतृत्व कौन करेगा? निर्मला सीतारमण, तो ये तो हो गया। अब मैं आता हूँ सातवां नंबर क्वेश्चन में। सर्वे ऑफ इंडिया ने COVID-19 की जानकारी के लिए सहयोग ऐप, कौन सा ऐप दोस्तों? सहयोग ऐप लॉन्च किया है। अब सहयोग ऐप लॉन्च किया है तो सर्वे ऑफ इंडिया, तो आपने देखा होगा भारतीय सर्वेक्षण ऑफ इंडिया, है ना, भारतीय सर्वेक्षण आपने देखा होगा, नाम सुना होगा, उसे कहते हैं। फिर आपने देखा होगा COVID-19 के लिए हमारे यहाँ पर क्या हुआ है, ये जारी करेगा। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि COVID-19 के लिए हमारे पास जारी कर रहा है क्या किया हमने, सहयोग है। सहयोग में तो आपको पता ही होगा कि हमारे, जैसे मान लो कि हमारे एम्बुलेंस को बनवाना है या हमारे यहाँ पर एम्बुलेंस के साथ साथ और किसी चीज को बुलवाना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग आगे पीछे जानकारियां दे सकते हैं। और इसमें हमारे और क्या करेगा दिल्ली सरकार ने, आप देखोगे हम एक आगे बात करेंगे इसके लिए। तो अब दिल्ली सरकार ने भी क्या किया है कि खुद जाकर, वो खुद जाएंगे और वहां पर टेस्टिंग करेंगे, और टेस्टिंग करने के बाद क्या करेंगे, वो बहुत सारी चीजें हमारे ध्यान में रखेंगे। और फिर इसके बाद क्या होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान तक हमारे यहाँ पर पहुंचाने के लिए उनको सहयोग ऐप की जरूरत पड़ी थी, इसलिए उन्होंने क्या किया है, ये ऐप को लॉन्च किया है, ठीक है दोस्तों। अब ध्यान देना कि हमारे यहाँ पर सर्वेक्षण ऑफ इंडिया करता क्या है, ये भी आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों। सर्वेक्षण ऑफ इंडिया ये करता है कि हमारे पर नक्शे बनाने का काम भी करता है, ये आपने तो देखा होगा। लेकिन चलिए ठीक है, तो हम लोग सर्वेक्षण ऑफ इंडिया का डायरेक्ट हेडक्वार्टर की बात कर लेते हैं। तो इसका हेडक्वार्टर है देहरादून में। कहां पर है? देहरादून में है। और देहरादून कहां पर आता है? उत्तराखंड में आता है। कहां आता है दोस्तों? उत्तराखंड में आता है। चलिए हम आगे बात करते हैं। राजस्थान सरकार ने, कितने दोस्तों? राजस्थान सरकार ने ई लर्निंग हेतु परियोजना स्माइल, क्या नाम इसका नाम? स्माइल शुरू की है। क्या किया है? स्माइल शुरू की है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब हमारे यहां पर बात करते हैं, पहले तो राजस्थान का नाम आया है, तो राजस्थान को आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान की स्थापना कब हुई थी दोस्तों। राजस्थान की स्थापना 1949 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1949 में हुई थी। आपने नाम सुना होगा रघु शर्मा का। रघु शर्मा यहाँ पर की कौन है? सीएम, मुख्यमंत्री है ना, ध्यान दीजिएगा। और आपने नाम सुना होगा कलराज जी का नाम तो सुना ही होगा आपने, है ना, तो यहाँ कौन है? गवर्नर है। कौन है दोस्तों? गवर्नर है। अब मैं बात करता हूँ राजधानी की, तो आपको पता ही होगा जयपुर है, है ना, क्या है हमारे यहाँ पर? जयपुर है। क्लियर हुआ? अब देखते हैं कि अब आया है स्माइल। कि दोस्त हमारे पर ये स्माइल ऐप की जरूरत क्यों पड़ी, परियोजना की जरूरत क्यों पड़ी हमारे यहाँ पर, ये भी देखना होगा। क्योंकि दोस्त पढ़ाई की हमारे यहाँ पर क्या हो रही है, टीचिंग एवं रीडिंग, ये दोनों चीज हमारे पास साथ में होना चाहिए, इसलिए हमारे पर क्या किया गया है, स्माइल ऐप के लिए शुरुआत की गई है। और किसने किया है? हमारे पर राजस्थान ने किया है दोस्तों। क्लियर हुआ आपका? अब ध्यान दीजिएगा, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी आ रही है, तो हम देखते हैं नौवां क्वेश्चन। HDFC का नाम सुना है आप लोगों ने? कोई बात नहीं, ध्यान दीजिएगा। आप देखेंगे HDFC बैंक ने सेफ्टी ग्रिड, ध्यान रखना सब दिया था ना, सेफ्टी ग्रिड अभियान शुरू किया। सेफ्टी ग्रिड अभियान, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कि आपने तो देखा होगा सेफ्टी ग्रिड अभियान, तो आपको पता ही होगा कि सेफ्टी मतलब कि आपको क्या करना होगा, कि हमें आपको स्वच्छ रखना होगा। लेकिन स्वच्छ रखने के लिए क्या करना होगा, आपने देखा होगा कि अभी हमारे यहाँ पर WHO ने, कितने दोस्तों? WHO ने क्या किया है कि बोला है कि सोशल डिस्टेंसिंग हमें बनाए रखना है। जैसे हमारे पास सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब होता है कि जैसे दूरी हमको क्या होना, कि कुछ दूरी हमें बनाए रखना होगा, हमें एक दूसरे को टच नहीं करना होगा, है ना, तो हमको ये देखेंगे। तो पहले मैं WHO का टर्म आया पहले मैं बता देता हूँ। तो दोस्त WHO का आपको पता होगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आपने देखा होगा विश्व स्वास्थ्य संगठन का नाम तो सुना ही होगा। लेकिन दोस्त इसकी स्थापना भी आपको पता होना चाहिए 7 अप्रैल
1948 को हुई थी। आपको यह भी पता होगा इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो इसका हेडक्वार्टर हमारे यहां पर जिनेवा में है। कहां है दोस्तों? जिनेवा में है। क्लियर हुआ? अब ध्यान दीजिएगा, अभी हमारे यहां पर बात हुई कि HDFC ने किया है और बैंक सेफ्टी ग्रिड, तो सेफ्टी ग्रिड हमारे यहां पर यही होगा कि आप लोगों को बैंक में भी, आपको ये जहां पर भी जाएं या दुकान में भी जाएं, तो आपको क्या कर रहना होगा, दवाई दूरियों को बनाए रखना होगा। तो आपने नाम सुना होगा हाउसिंग डेवलपमेंट, है ना, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन का नाम तो सुना ही होगा, कोई बात नहीं। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि HDFC की स्थापना कब हुई। तो HDFC की स्थापना हमारे पर 1994 में हुई। कब हुई दोस्तों? 1994 में हुई। अब इसमें हमारे पर हेडक्वार्टर पूछ लेता हूं, हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में है। कहां पर है दोस्त? मुंबई में। और इसके हेड तो आपको पता है वासुदेव जी है। कौन है हमारे यहाँ पर? वासुदेव जी है। ठीक है, हम बात करते हैं अब इसकी, तो अब आते हैं 10 क्वेश्चन, मतलब लास्ट वाला जो क्वेश्चन है इसमें देखते हैं। भारतीय तिरंगा आशा संदेश भेजने के लिए, क्या दोस्तों? भारतीय तिरंगा आशा संदेश भेजने के लिए, है ना, कौन सा? मैटर हॉर्न पर्वत। ये मैटर हॉर्न पर्वत, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, है ना, मैटर हॉर्न पर्वत पर प्रोजेक्ट, क्या प्रोजेक्ट? स्विट्जरलैंड में किया। कहां पर किया दोस्तों? स्विट्जरलैंड में किया। अब यहां पर एक पर्वत है, उस पर्वत का नाम, वही पर्वत कहां पर है? तो हमारा कौन सा पर्वत है? मैटरहॉर्न पर्वत। मैटरहॉर्न पर्वत कहां पर है? स्विट्जरलैंड में है। अब ये हमारे पास स्विट्जरलैंड में है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि इस मैटरहॉर्न पर्वत, ये कौन सी पर्वत श्रेणी में आता होगा? तो ये आता है हमारे यहाँ पर आल्प्स पर्वत श्रेणी में आता है। कौन सी श्रेणी में? आल्प्स पर्वत श्रेणी का ये क्या है? ये हिस्सा है दोस्तों। ठीक है, लेकिन इसमें क्या हुआ है कि हमारे यहाँ पर भारतीय तिरंगा का पूरा डिजाइन किया गया है प्रोजेक्ट के माध्यम से। क्या बनाया गया? उसमें तिरंगा बनाया गया है। क्या बनाया गया दोस्तों? तिरंगा बनाया गया है। अब हम देखते हैं कि इसमें हमारे यहाँ पर आल्प्स पर्वत में तो बनाया गया है, आल्प्स किस पर है? आपको पता होगा ALPS आल्प्स है ना। तो आप देखो 4809 मीटर इसकी क्या है दोस्तों? इसकी हमारे पर ऊंचाई है। क्या है इसकी ऊंचाई है? और आपको पता होना चाहिए कि हमारे पर 1200 किलोमीटर क्या है इसकी हमारे यहाँ पर लंबाई है। क्या है दोस्तों? इसकी लंबाई है। आपको ये तो पता हो गया होगा और इतनी जानकारी आपको तो मिल रही होगी। तो दोस्तों मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप लोग जब भी कोई चीज पढ़ते हैं तो आप लोग उसका रिविजन जरूर करा करो। रिविजन करने से क्या होता है कि हम लोग जो जानकारियां होती है उसको हमारे पर दिमाग बार 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 आप लोग रिविजन करोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, हमारे लंबे समय तक याद रहेगा। और यदि मैं कहता हूं कि आप लोग तो थोड़ा जब यदि आपको रुकना हो या कुछ नोट करना हो, मैं फास्ट बोलता हूं दोस्तों, है ना, तो मैं फास्ट है क्योंकि मैं स्लो तो चला नहीं पाऊंगा, क्योंकि सॉरी इस बात के लिए, मैं फास्ट ही चलाऊंगा क्लास को, क्योंकि मुझे आपको यदि लिखना हो तो आप लोग बार बार बैक करके लिख सकते हैं या फिर आपको वीडियो को पोस्ट करना पड़ेगा और लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जो भी गलती हो मुझे माफ करिएगा, लेकिन मैं आपको क्लास में कंटिन्यू करता रहूंगा, है ना, डेली डेली आपको करंट अफेयर्स मिलती रहेंगी। तो कृपया अगर आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे और अपने अच्छे से रहें, है ना, लॉकडाउन में आप अपना पालन करें और अपने जो WHO ने जो आपको क्या नियम दिए हैं, है ना, उसका पालन करें। और जो आपने कहा कि एक दूसरे को हम लोग क्या ना करें, है ना, टच ना करें और अपने लॉकडाउन का पालन करते रहें। ठीक है दोस्तों, मैं मिलूंगा कल, आज के लिए इतना ही, नमस्ते दोस्तों, है ना, ठीक है।